गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने क्या किया है, इसका जो फ्रंट पोर्शन है ना पूरा कंप्लीट कर दिया है। पहले सिनेमेटिक्स में देखा आपने बाइक की कंडीशन क्या थी, अभी बाइक कम्प्लीटली हम लोगों ने वॉश करके अंदर रखी है एंड फ्रंट का पूरा पोर्शन खोला है। जो अपर टी लोअर टी है उसको लेथ पे भेजा है लोअर टी, और क्योंकि इसमें यूएसडी इंस्टॉल करना है तो हम लोग जो हमेशा करते हैं लोअर टी का बीच का रॉड चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। जैसे आरसी का रॉड है तो उसमें बीच का जो रॉड है वो इस बाइक का लगा देंगे एंड उससे क्या होगा, जो पूरा कंप्लीट जो सेटअप है ना इजीली बैठ जाएगा सस्पेंशन का। उसके बाद जो हम लोग को आगे का काम करना है, जैसे कि आगे पूरा हम लोग कंप्लीट सेटअप बनाने का व्हील का, वो आपको मैं बताऊँ किस तरीके से बनाने का है। आगे फैट टायर्स डालना है तो ये वाला रिम हम लोग यूज़ में नहीं ले रहे, हम लोग ले रहे हैं अपना बुलेट का फ्रंट का व्हील, मतलब रेयर का व्हील फ्रंट में, जिससे गाड़ी की जो ओवरऑल डायनेमिक्स है वो चेंज हो जाएगी, गाड़ी थोड़ी सी मोटी दिखेगी आगे से एंड पीछे से भी वही चीज़ करने वाले। एक बार बाइक का जो है ना बेस तैयार हो जाए उसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले। देखो ये अलग प्रोजेक्ट है, थोड़ा बॉबर टाइप होने वाला है एंड ये मैं खुद एक फ्रेश चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़े बहुत सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और आपको भी ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो गाइस ये है वो बाइक, सो ये है वो बाइक रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड। ये पुराना वाला मॉडल है, यानी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल है। जब अपने पास आया था इसकी कंडीशन अच्छी थी, मतलब गाड़ी तो ओवरऑल अच्छी चलने में थी, बट जो अपने कस्टमर है वो सर को चाहिए था कि बाइक को अलग यूनिक तरीके से बनाने का, तो उस चक्कर में हम लोग ने इसमें बहुत सारे ऑल्ट्रेशन किए अभी तक एंड अभी जो फाइनल स्टेज पे बाइक आ गई है। तो मैं सोचा कि प्रोजेक्ट अभी बताना अभी सही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से बताते तो बीच में बहुत सारे वीडियोस के गैप हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम हुआ है इसमें एंड थोड़ा थोड़ा काम इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो सामान अपने को चाहिए रहता है वो बनाना पड़ता है। मैक्सिमम चीज़ें इसमें जो है हैंडली क्राफ्टेड है, और जो दूसरी सारी चीज़ें जैसे व्हील व्हील हो सा हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगा अरेंज करने में और सोचने में क्या क्या चीज़ करनी है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में अभी तक 60K का जो है बजट जा चुका है, 60K तक हम लोग ने इसमें खर्चा कर दिया है। अभी आगे और होने वाला है पेंट वो सबका। तो सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ इसमें अभी तक हम लोग ने क्या क्या कर दिया है। तो सबसे पहले यू विल सी द टायर्स, तो ये जो आप टायर देख रहे हो पीछे का, ये 170 सेक्शन का टायर है कोबरा का, और ये ओरिजिनल कोबरा का टायर है जो हार्लीज में आता है। आपको अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे उसका ब्रांडिंग बता दूंगा। ये देखो ये हम लोग ने बिठाया है, और ये जो आप पूरा कंप्लीट सेटअप देख रहे हो, अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा ना आप खुद चौक जाओगे भाई कि कैसे कर लेते हो आप। तो ये दिमाग जो लगाया ना भाई, ये जो रिम देख रहे हो ये अपना बजाज का है, बजाज एवेंजर का है। स्पोक्स जो है पूरे कम्प्लीटली ऑल्टरनेटेड है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो हब है ये वाला पोर्शन जिसमें ड्रम वो सब बैठता है, डिस्क ड्रम वो सब, वो है अपनी नई वाली रॉयल इनफील्ड का, जो नई क्लासिक 350 आई है उसका है, क्योंकि उसमें डिस्क आता है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें हम लोगों ने डिस्क सेटअप के लिए बनाया है। ये देखो ये डिस्क लगेगा यहाँ पे एंड ये जो पूरा सेटअप है, मतलब ये समझ लो कि दो बाइक का है, एक तो है अपनी एवेंजर बजाज की और ये जो हब है वो है अपनी बुलेट का, और ये बीच का स्पोक जो है पूरा ऑल्टरनेट है जो अपने चाचा ने अपने को पूरा कंप्लीट करके दिया है। तो इसका थिकनेस देखो कितना है टायर का, काफ़ी ज़्यादा यूज और बल्की लगता है, और ये बुलेट अपनी रॉयल इनफील्ड है थंडरबर्ड है, ये वाइड एंगल में इसलिए आपको देखो कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे 1X में करूँगा आप देखो कितना ज़्यादा बड़ा टायर है इसमें। एंड दूसरी चीज़, ये टायर तो हम लोगों ने लगाना था, स्विंग आर्म रखना था अपने को नए वाले नए वाले बुलेट का क्लासिक 350 का, क्योंकि अपने को रखना था डिस्क। तो ये जो स्विंग आर्म आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली न्यू थंडरबर्ड का है, सॉरी न्यू आरी का है, जो नई वाली क्लासिक आई है उसका है, और वो कम्प्लीटली बैठ जाता है क्योंकि जो अपना चेसिस टाइप है ऑलमोस्ट सेम है सारी आरीज में। एंड यहाँ पे ये वाला पोर्शन को हम लोगों ने कम्प्लीटली ऑल्टरेट किया है, ये देख सकते हो इसका जो खाँचा है वो भी बड़ा है एंड यहाँ से हम लोगों ने इसको ब्रॉड भी किया है। ब्रॉड देखो यहाँ से देख रहे हो ये पैच मारा है एंड ये खाली गर्म करके बैंड किया है इसको, मतलब ये नहीं काट पीट के किया, ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो वैसी की वैसी रहे। एंड यू कैन सी कि कितना ज़्यादा एक्यूरेटली जो है टायर बैठ गया है। अभी पीछे से तो और पीछे भी आ सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, तो हम लोग को यहाँ पे जो इसका स्टॉपर बनाना है इससे आगे ना जाए। चेन को भी हम लोग ने जो चेन सेट है पूरा नया वाला बुलेट का लगाया है, प्लस जो चेन में 2-3 कड़ी एक्स्ट्रा ऐड की है, क्योंकि गाड़ी का जो ओवरऑल विथ है वो बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हो गाड़ी की लेंथ कितनी है अभी। और दूसरी चीज़ आप और एक और चीज़ नोटिस करोगे कि जो पूरा कम्प्लीटली टायर का जो हम लोगों ने सिस्टम मिटाया है उसके लिए एक चीज़ पॉसिबल नहीं थी, वो था इसका चेन। वो चेन डायरेक्टली टायर में टच होता अगर ये वाली चीज़ हम लोग नहीं बनाते तो। दिस इज़ द एल्यूमिनियम हब जो कम्प्लीटली कास्ट किया गया है लेथ पे एंड इस पूरा कम्प्लीट थ्रोइंग प्रोसेस से आप देख सकते हो कि ये चेन सेट को बिठाया गया है इसके मदद से, जिस जो स्पेसर का काम करता है। एंड ये पूरा कम्प्लीटली हॉलो नहीं है, ये कम्प्लीट है, मतलब देख सकते हो पूरा कम्प्लीटली बनाया है इसको। एंड ये एल्यूमिनियम का तो लाइट वेट भी है और स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी खासी है, तो ये चीज़ बनाया। डिस्टेंस भी कम्प्लीटली हम लोगों ने न्यू बनाया है इस दोनों साइड का,
एंड ये रॉड देख रहे हो, ये रॉड भी नया बना है, अब इसका कटिंग बाकी है। तो ये काम पीछे का टायर में हम लोगों ने किया है, जिसमें हम लोग को अप्रॉक्स वन मंथ के आसपास का टाइम लग गया, क्योंकि यार सारी चीज़ें अरेंज करना, फिर सारी चीज़ें सोचना कि कौन सी चीज़ कहाँ एग्जैक्टली बैठेगी और क्या कौन सी चीज़ प्रॉपरली वर्क करेगी, तो वो सारी चीज़ में ना टाइम लगता है। एंड वो चीज़ जब हो जाती है ना, तो कुछ इस तरीके का लुक आता है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली और नीट लग रहा है पीछे का पूरा कंप्लीट सेटअप। एंड इससे हो क्या रहा, ओवरऑल जो बाइक का लुक है ना, वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सही आता है। अभी बात करेंगे टैंक की। देखो ये टैंक अभी बिठाया नहीं, अभी आज का वीडियो इसलिए बना रहा था कि अपने को टैंक भी बिठाना है आज। ये टैंक कम्प्लीटली कस्टम मेड है, पूरा कस्टम मेड टैंक है। अभी आप बोलोगे कि यार कौन सी गाड़ी का टैंक ये है, कस्टम मेड है, पर इसका बेस मैंने कौन सी गाड़ी का लिया आप सोच भी नहीं सकते हो। ये RX 100 का टैंक है भाई, RX 100 के टैंक के बेस पे अपन ने ये टैंक पूरा कंप्लीट बनाया है। एंड एक बार लुक देख लो किस तरीके से। और ये वाला पोर्शन अभी बनवाया, क्योंकि हम लोग ने इसको हाइट पर रखना था, तो इतना पोर्शन हम लोग को चाहिए था कि दिखे ना, तो उसके वजह से ये हाइट पर बनाया है। एंड जो टैंक है और जो मतलब गाड़ी का ओवरऑल लुक है ना, जो अपने सर की बाइक है उनके पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो लॉन्ग एंड टॉल है, आपको मैं कभी वीडियो में बताऊँगा, और थोड़े हट्टे कट्टे एकदम मस्कुलर है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सही लगी, क्योंकि बाइक छोटी दिखेगी ना तो अच्छी नहीं लगी। तो हमने सोचा था कि टैंक को थोड़ा सा यूज ही बनाएंगे, ताकि कि जब कस्टमर बाइक चलाए तो ऐसा लगना चाहिए कोई कुछ चला रहा है, वरना वो छोटी डर्ट बाइक जैसी ना लगे। दूसरी चीज़ जो इसमें ऑल्टर की है, और मेरे हिसाब से हम लोग को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब देखो ये है आगे का पूरा कंप्लीट सेटअप, KTM का आपको दिख रहा होगा पूरा, USD है ये। ये जो सस्पेंशन देख रहे हो, ये KTM RC का है, और ऊपर का प्लेट पूरा कंप्लीट KTM ड्यूक का है। ये पूरा कंप्लीट जो असेंबली है, एंड ये जो टायर आप देख रहे हो ये 120 सेक्शन का है, जो RE में पीछे बैठता है। देखो इधर भी एक कैच है, जो हब है आगे वाला वो है अपनी थंडरबर्ड के आगे का ही, पर जो ये रिम है वो पीछे का है, RE के पीछे का, तो वो ऑल्टरेशन किया है जिससे आगे अपने जो है मैक्सिमम साइज बिठा सकते थे, तो हम लोगों ने 120 सेक्शन का टायर बिठाया यहाँ पे। और भी बड़ा बिठा सकते थे, बट फ्रंट टायर हमेशा नया होना चाहिए, क्योंकि नॉन ABS बाइक है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको यार सेकेंड हैंड डाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। दूसरी चीज़ आगे का जो डिस्क ये देख रहे हो, रोटर और डिस्क, ये भी हम लोगों ने कम्प्लीटली हब सिस्टम पर बिठाया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको एकदम पतला सा हब दिखेगा इसके और उसके बीच में, देख रहे हो ये देखो ये हब देख रहे हो, तो ये हब भी कम्प्लीटली हम लोगों ने बनाया है, और ये हब को पूरा कम्प्लीट थ्रू करके करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखो यार जो काम लेथ पे होता है ना, उस पर थोड़ा सा टाइम जाता ही है, क्योंकि उसको 0-0 करना पड़ता है। अपने ऐसे डायरेक्टली कोई भी चीज़ दो वाइसर लगा के फिट कर दे ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम चलनी चाहिए बाइक एक बार आप बना रहे हो तो, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट वायरिंग किया हम लोगों ने, ये देख रहे हो वायरिंग का इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, हम लोगों ने इसमें रिमोट लगाया है, जिससे बाइक जो है रिमोट से ही स्टार्ट हो जाएगी, और ये वो रिमोट है, तो इससे बाइक जो है अपने इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एंड इससे बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी। अभी वाइड एंगल में तो आपको बाइक थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी, क्योंकि वाइड एंगल कैमरे का कमाल है ये, बट अब जैसे 1x पे देख लोगे तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हैवी बाइक ये बन रही है, ठीक है। तो अभी तक का क्या क्या ऑल्टरेशन किया मैंने आप लोगों को बता दिया है, एंड इसमें जो मेरे को 2 महीने लग गए। अब आप बोलोगे यार इतना काम करने में 2 महीने लग जाते हैं आपको, तो एक बार आओ करो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ होती है, सारी परेशानी को टैकल करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं है, एक एक चीज़ जब आप RE से ऑर्डर करते हो ना, वही 15-20 दिन लग जाता है, 10-15 दिन तो आपको ये समझ लो कि ये पीछे का इस तरफ का जो मैंने कंप्लीट ये हब मंगाया था ये कैलिबर के साथ, वही आने में मेरे को इतना टाइम लग गया। तो वो आप खुद सोच सकते हो कि यार सामान आने में इतना टाइम लग रहा है, तो प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता ही, और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही रेयर केस में होते हैं। सो गाइस सारी फिटिंग हो चुकी है, मतलब जो मोस्टली हम लोग का आज का काम करना था और कल का काम अलग है, मतलब आज का जो चेकलिस्ट था इतना काम करना था हम लोगों ने कर दिया है। पीछे का पूरा मडगार्ड का जो फेंडर है वो हम लोगों ने देखा है अभी लेथ मशीन पे, क्योंकि उसको बीच से कट करके उसको मोटा करना है, तो वो चीज़ को हम लोगों ने उधर ही छोड़ दिया है। एंड ये वाला पोर्शन आप एक बार चेक कर लो, सीट का कुछ इस तरीके से आएगा, जो पुरानी सीट है उसी को इस तरीके से कट किया है, तो लुक किस तरीके से आ रहा है। और जो पीछे का स्लोप है ना, वो पूरा मडगार्ड से हम लोग लेंगे, और वो मेरे हिसाब से कल तक अपने को मिल जाएगा मडगार्ड। आगे का मडगार्ड हम लोगों ने कटिंग कर दिया है और छोटा कर दिया है, जिससे गाड़ी का लुक देख लो किस तरीके से आ रहा है। ये क्लासिक का मडगार्ड है, ये थंडरबर्ड का नहीं है, क्योंकि इसमें जो थंडरबर्ड का आता है। टैंक का भी जो है कम्प्लीटली हम लोगों ने फिटिंग कर दिया है एकदम वेल्डिंग करके, एंड ये थोड़ा सा देख सकते हो किस तरीके से कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स पाइप दिखेगा, बॉक्स पाइप के ऊपर एक टी बनाया है, जिसपे रबर लगा के टैंक को अच्छी तरीके से लगाया है, ताकि कि जब भी अगर चाहिए फ्यूचर में निकालने के लिए, तो जैसे नॉर्मल बाइक का आगे पुश करके निकलता है वैसे इसका निकल जाए।
अभी इतना काम हो चुका है और अभी जो मेन काम रहेगा वो अपने पीछे का रहेगा, मतलब जो अपना मडगार्ड पीछे का आएगा, उसके बाद जो इसका पेंट का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी का मेन जो काम रहता है ना वो ये सब चीज़ रहती है जो अपने लुक्स के लिए रहती है, क्योंकि गाड़ी बनने आती है लुक के लिए बनने आती है कि अच्छा लुक आए गाड़ी का, और वो चीज़ पे हम लोग का हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। बहुत देखो अभी अब पीछे का मडगार्ड मैं बनाऊंगा तो उसके में बस बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बट कौन सा बेस्ट है वो अपने को चूज़ करना रहता है, क्योंकि पीछे कौन सा वाला मडगार्ड लगाए, तो वो चीज़ है। आगे का मडगार्ड तो हम लोगों ने शॉर्ट किया, अभी इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करेंगे, अभी तो इतना रखा है क्योंकि अभी तो खाली एक बेस बना के रखा है, अभी इसके ऊपर पट्टी वट्टी कल बनाएंगे, आज तो लेट हो गया। ठीक है, तो बाकी गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा सही दिख रही है। ये देखो एकदम प्रॉपर बॉबर की तरह दिख रही है, और जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसका स्टैंड बहुत ज़्यादा सही दिखेगा। और